अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे शर्जीना, जिसे अब बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है इसलिए वो काफ़ी खुश भी है। मुस्तफ़ा जो इसे बाहर घुमाने लेकर जाता है तो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। शर्जीना ने आज ज़िंदगी को एक अलग रुख से देखा तो वो मुस्तफ़ा का शुक्रिया अदा करेगी। शर्जीना की जॉब पर मुस्तफ़ा के वालिद और मुस्तफ़ा काफ़ी खुश होते हैं कि शर्जीना अपनी लाइफ में कामयाब हो रही है, लेकिन ये सास जिन्होंने सिर्फ शर्जीना को ही बातें सुनानी है, चाहे जो भी हो जाए शर्जीना की खुशी में खुश नहीं होना। मुस्तफ़ा की वालदा मुस्तफ़ा को बातें आती है कि अगर तुम्हें गैरत नहीं तो हम क्या करें, लेकिन हमें शर्म आती है कि हम बहू के पैसों से राशन नहीं डलवा सकते। इनका भी अजीब है, वैसे जब घर में कोई कमाता नहीं था तब भी बातें सुनाती थी, अब अगर शर्जीना की जॉब हो गई है तो इन्हें भी अलग ही मसले हैं। इन्हें बस शर्जीना को खुश नहीं देखना। मुस्तफ़ा को अपनी वालदा पर बहुत दुख होता है कि जैसा वो उसके साथ रवैया रखती हैं, तो शर्जीना से बात शेयर करता है कि मेरे वालदैन को कभी यकीन नहीं आ सकता कि मैं कभी कुछ कमा सकता हूँ, इसलिए मुस्तफ़ा कोशिश भी नहीं करता। मुस्तफ़ा ज़हीन तो बहुत है लेकिन सिर्फ अपने वालदैन के ऐसे रवैये की वजह से इस तरह का हो गया है। उधर रुबाब, जिसने अदील को पसंद करके इससे शादी तो कर ली लेकिन इसे अभी भी कोई इतना यकीन नहीं है कि अदील इसके साथ मुखलिस है, इससे मोहब्बत करता है। रुबाब अदील की हमेशा इंसल्ट ही करती है और अपनी बातें मनवाती है, और ये अदील भी दौलत की लालच में इसकी बातें मानता रहता है क्योंकि इसने शादी भी तो दौलत की लालच में ही की थी। रुबाब की फैमिली वाले रुबाब और अदील को अपने घर दावत पर बुलाते हैं। रुबाब काफ़ी खुश होती है तो इसके वालिद का भी फ़ोन आ जाता है। वो इसे समझाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अदील तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से मोहब्बत करता है, तो रुबाब कह देती है कि मैं अदील से मोहब्बत करती हूँ, मैं इसके साथ सच में बहुत खुश हूँ। तो वालिद भी साफ कह देते हैं कि बेटा मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने शौहर के हाथों धोखा ना खाओ। इसके वालिद को अच्छी तरह समझ है कि अदील ने सिर्फ दौलत के लिए मेरी बेटी से शादी की है, लेकिन रुबाब की आंखें तो इसकी मोहब्बत ने बंद की हुई हैं। तो ये रुबाब भी अपने वालिद को तसल्ली दे देती है कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। क्या आपको लगता है कि रुबाब मंसूर खान को धोखा देने वाला आज तक पैदा हुआ है? हो सकता है कि ये अदील धोखा तो ना दे मगर वो इसके साथ खुश भी नहीं है, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उधर दूसरी तरफ मुस्तफ़ा और शर्जीना एक साथ काफ़ी खुश हैं, लाइफ को बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर भी शर्जीना मुस्तफ़ा को बार बार समझाती है कि वो कोई जॉब करे, अपनी लाइफ को सीरियस ले, लेकिन वो अभी तक मान नहीं रहा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि मुस्तफ़ा शर्जीना के समझाने पर नौकरी करने का इरादा कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।